नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। जलालाबाद क्षेत्र के गांव हुसैनपुर तीरगर में अंजुमन सिपाहे अब्बासिया की ओर 11 मुहर्रम 18 बनी हाशिम के ताबूत झुंझुनावे आलम का ताबूत उठा। इमाम हुसैन अली सलाम के नाम पर मजलिस मुनक्किद की गई। मुख्य अतिथि कोलकाता से आए डॉक्टर मौलाना शब्बीर वारसी ने इमामबाड़ा में मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि हर मजहबे और मकतबे फिक्र का आदमी जिसे इमाम हुसैन अली सलाम से मोहब्बत है, इस मजलिस में शिरकत की। इमाम हुसैन अली सलाम कायनात इंसानी में वो ऐसी शख्सियत है कि जिसे खास कौम या कोई खास मजहब या मिल्लत या खास नजरियात या मकतबे फिक्र के लोग नहीं मानते, बल्कि दुनिया का हर इंसान जो अपने दिल में इंसानियत को जिंदा जिसने रखा वही इमाम हुसैन अली सलाम से मोहब्बत रखता है। इमाम हुसैन अली सलाम कायनात में ऐसे शहीद हैं जिनकी शहादत का गम सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग मानते हैं। इमाम हुसैन ने करबला में नमाज को बचाया, रोजे को बचाया, इस्लाम को बचाया। इमाम हुसैन ने करबला में जमुरिया को बचाया। उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन के बताए रास्ते पर चले मौलाना हामिद, मौलाना अफजाल आदि ने मातमी जुलूस, नोहा खानी, सीना जनी जुलूस आदि निकल गया। इस मौके पर सदर जाहिद हुसैन, जामिन अब्बास अंसार, हैदर निसार, हैदर जमीर, हसन अजहर अब्बास, सादिक जाफरी की देखरेख में जुलूस में शामिल बाकर अब्बास, जावेद अब्बास, जकी टिंकू, जहूर मेहंदी, कुमिल अब्बास, फिरोज अब्बास, मोहम्मद अब्बास, सुल्तान अब्बास आदि उपस्थित थे। उधर शासन और प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। मैं हुसैनपुर तीरगर की बस्ती में आया हूं और आज ऐसी शख्सियत जो कलकत्ता से मौलाना शब्बीर वारसी साहब यहां पर मौजूद हैं, वो यहां अपना कुछ अखबार के और मीडिया को कुछ बताना चाहते हैं। आप सुनिए, मौलाना साहब बताइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, मैं सरजमीन ज़िला बिजनौर के हुसैनपुर बस्ती में तशरीफ़ लाया और यहाँ पर कल रात को 18 बनी हाशिम का ताबूत उठा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर। मजलिस मुनक़िद हुई जिसमें यानी हर मज़हब और हर मकतबे फ़िक्र का आदमी जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है उसने कल इस मजलिस में और जुलूस अज़ा में शिरकत की। पहली बात तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात इंसानी में वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिसे कोई ख़ास कौम या कोई ख़ास मज़हब या कोई ख़ास मिल्लत या ख़ास नज़रियात या मकतबे फ़िक्र के लोग नहीं मानते, बल्कि दुनिया का हर इंसान जो अपने दिल में इंसानियत को ज़िंदा जिसने रखा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। बिला तफरीक़ मज़हब व मलल व अक़वाम व अदियान व तहरीकात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात में वाहिद ऐसे शहीद हैं कि जिनकी शहादत का गम सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, हर धर्म के लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी का ये जुमला बहुत मशहूर है, हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू ने यह कहा था कि अगर मुझे हुसैन के अनसार के जैसे 72 लोग मिल चुके होते तो मैं इस देश को बहुत पहले आज़ादी दिला चुका होता। मेरे नाना मरहूम अल्लामा इकबाल आज़मी साहब हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन कोट करते थे और वो कहते थे, पंडित नेहरू फरमाते हैं कि ड्यू टू द नॉन कम्युनल कैरेक्टर एंड ड्यू टू द सेल्फलेस सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ग्रेट हाउस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद द ग्रेट ऑफ अरबिया, इमाम हुसैन वॉज नॉट ओनली द होली क्रूसेडर ऑफ इस्लाम बट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain Hazrat Ali Asghar is incomparable in the history of entire mankind and Imam Hussain surpasses all through the ages. Pandit Nehru फरमाते हैं कि मुसलमानों, आप इमाम हुसैन को इसलिए मानते हैं कि आप ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में नमाज को बचाया, रोज़े को बचाया, इस्लाम को बचाया, काबा और कुरान को बचाया, तो अगर इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम को बचाया तो आज मेरे जैसे लोग गैर मुस्लिमीन, और पंडित नेहरू खुद नास्तिक थे, तो वो कहते हैं कि फिर गैर मुस्लिमीन इमाम हुसैन से मोहब्बत क्यों करते हैं। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन वॉज नॉट ओनली दी होली क्रूसेडर ऑफ इस्लाम, वो सिर्फ मुसलमानों के कोई इमाम नहीं थे, सिर्फ उन्होंने इस्लाम को नहीं बचाया, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी।
वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में डेमोक्रेसी को बचाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जमहूरियत को बचाया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो आज जमहूरियत ना होती। आज जो पूरी दुनिया में जो हम लोकतंत्र देख पाते हैं, जो डेमोक्रेसी देख पाते हैं, ये डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती। और वो कहते हैं कि स्पेशली द सेक्रीफाइस ऑफ एन इन्फेंट सन ऑफ इमाम हुसैन हज़रत अली असगर। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे अली असगर ने जो बलिदान पेश किया इज इनकॉम्परेबल इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर मैनकाइंड। उसका कायनात में कोई कंपेयर, कोई मुकाबला नहीं कर सका। और इमाम हुसैन सरपासेस ऑल थ्रू दिए, जैसे इमाम हुसैन ने तारीख में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हर शख्स, हर इंसान मोहब्बत रखता है। बस इसी बात के साथ जोश मली आबादी के इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। जोश मली आबादी कहते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौवे बशर के तारे हैं हुसैन। और इंसान को, मुसलमान को नहीं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आपने सुना है ये डॉक्टर शब्बीर वारसी साहब का, अभी आपने सुना कि कितनी बातें बताई आपको। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को और सिटी हलचल न्यूज़ के लिए, आप भी हमारे लिए कुछ दुआ करें चैनल के लिए। अल्लाह आपके चैनल को कामयाबी दे और आपके चैनल को और चैनल के माध्यम से आप सबों को सच पहुंचाने की और जनता तक सच बोलने की आपको तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।